झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार पिछले 5 वर्षों से झारखंड में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाई और जमीनी स्तर पर झारखंड की जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया। इस अवसर पर 22 सितंबर को मुख्यमंत्री सम्मान योजना के उपलक्ष्य में मैया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 15 जिलों से महिलाओं की एक बड़ी संख्या पहुंचकर मुख्यमंत्री को सम्मानित करेगी और इसकी तैयारी लगभग कर ली गई है। प्रधानमंत्री हैं आप, आए जनाब यहाँ पर, बड़ी बड़ी आदिवासियों की बात करते हैं आप, 5वीं अनुसूची पर तो कुछ बोलते नहीं हैं, इतना बड़ा ज्वलंत इशू सरना कोड पर भी आप नहीं बोलते हैं। पूरा हमारे जो पूर्व, अभी जो पूर्व हो गए मुख्यमंत्री चंपाई दा, सरना कोड के बारे में बोलते बोलते वो थकते नहीं थे। 5वीं अनुसूची जैसे मामले को इन्हीं कहते हैं, फॉरेस्ट एक्ट के संबंध में आपने नहीं कहा पूरा। और आप कहते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आपके RJD को, प्रधानमंत्री जी झारखंड प्रदेश है, आप नाक रगड़ लीजिए, यहाँ आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप जितने भी लोगों को उतार दीजिए, अभी तो आप कम उतारे हैं, अभी थोड़ा दिन के बाद बहुत सारे लोग को उतारा जाएगा, क्योंकि आप क्यों यहाँ पर आप लगे हुए हैं ये पूरे राज्य की जनता जानती है। ये खनिज संपदा को लूटने का यहाँ पर आप, लूटने के लिए यहाँ पर आप लगे हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का बात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, आप देखे होंगे पूरी सभा राज्य सरकार के द्वारा और विशेषकर महागठबंधन की सरकार, विगत 5 वर्षों में कई एक नई नई योजना और बेहतरीन योजना को लागू किया गया राज्य सरकार के द्वारा, और निचले तबके के लोगों को इसका लाभ हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैया योजना वगैरह है, आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ऐसे कई एक योजना है आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 15 विधानसभा से महिलाओं का, 1 विधानसभा से तकरीबन 1000 महिलाएं आएंगी। वो विधानसभा है लातेहार, पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री हैं।